आप सभी को परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में बताना है जो बाकी प्लेटफॉर्म की तरह फ्री और पेड दोनों तरह की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर फुल टेस्ट सीरीज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री और पेड दोनों। इसके अलावा जो डेली डोज की टेस्ट सीरीज होती है प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट की, वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट पेड सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज एसएससी मेट 40 रेफरल कोड टू गेट 40% ऑफ। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वेलकम टू एसएससी मेडिज, एसएससी सीजीएल 2020 या एसएससी सीएचएसएल 2019 या एसएससी सीएचएसएल 2020 या एसएससी एमटीएस की परीक्षा, आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ एसएससी ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी है इस नोटिफिकेशन के साथ ही। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि 29 सितंबर 2019 को 45,101 कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए थे टायर टू एग्जामिनेशन में सीएचएसएल की, उसमें से 36,102 कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हुए थे टायर टू एग्जाम, जिन लोगों जो अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, उसमें से 30,822 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे 5,918 वैकेंसीज के लिए, जिसमें से 4,560 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया था UFM के बेसिस पे। तो वहाँ पर कुछ कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और एसएससी ने एक कमेटी गठित की थी। अब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एसएससी ने एक नोटिस जारी किया, उसमें ये कहा गया है With regard to the candidates of combined higher secondary level 10+2 examination tier 2 2018 who have been disqualified on the basis of revealing identity and were placed under the category of UFM, the prohibitory instruction and guidelines should be ignored as one time measure. मतलब जिन लोगों को UFM के basis पर disqualify किया गया था SSC CHSL 2018 tier 2 examination में, उनको one time measure मतलब एक बार की छूट प्रदान की जा रही है कि भैया पहली बार तो हो गया, लेकिन अब दूसरी बार अगर तुमने ऐसी गलती की UFM वाली तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, लेकिन पहली बार छूट प्रदान की गई है। आगे कहा गया है, accordingly the commission has decided to give one time exemption to all 4,560 candidates of combined higher secondary level 10+2 examination tier 2 2018 who were disqualified. The result of this candidate will be processed accordingly. मतलब जितने भी 4,560 कैंडिडेट जो डिस्क्वालीफाई हुए थे उनको वन टाइम फिर से चांस मिल रहा है कि अब उनको फिर से पास कर दिया जाएगा, उनका रिजल्ट 2018 के अकॉर्डिंग फिर से पब्लिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न सिर्फ ये नहीं उठाया गया था एसएससी कैंडिडेट्स के द्वारा कि एसएससी सीएचएसएल 2018 एग्जामिनेशन में से ही जो यूएफएम का गलत तरीके का इश्यू है उसको हटाया जाए। प्रश्न ये भी था कि जो एमटीएफ 2019 जो टायर टू का रिजल्ट पब्लिश होने वाला है वहाँ पे भी यूएफएम का जो गलत तरीका है उसको लागू न किया जाए या एसएससी सीजीएल 2019 एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर मान लीजिए कि क्योंकि यहाँ पर जो इश्यू हुआ था ना सीएचएसएल 2018 में, वो सिर्फ ये नहीं था कुछ कैंडिडेट को गलत तरीके से फेल किया गया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो जिन लोगों ने मतलब गलत तरीका अपनाया था उनको भी फेल किया गया था। लेकिन प्रश्न हमारा उस चीज़ पे उठा था कि अगर सेम गलती दो कैंडिडेट ने की है तो एक को पास किया गया है और एक को फेल किया गया है, अगर एसएससी यही सेम चीज़ें सीजीएल 2018 के रिजल्ट में रिपीट करता है या एमटीएफ 2019 के रिजल्ट में रिपीट करता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो यूएफएम का इश्यू है वो कोई प्री डिफाइंड चीज़ें नहीं है। किसी ने एबीसी लिख दिया या कख लिख दिया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, और किसी ने यही सेम चीज़ लिखी तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, किसी ने कोई भी एक नाम लिख दिया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को टायर थ्री एग्जामिनेशन में चाहे वो सीजीएल दे रहा है, सीएचएसएल दे रहा है या एमटीएफ दे रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार एसएससी ने अपनी मनमानी करते हुए अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते बजाय कोर्ट केस करने के, और आपको पता है कि कोर्ट का क्या हाल है, कोर्ट का फैसला आने पर कितना टाइम लगता है। तो देखते हैं कि एसएससी आने वाले समय में इन सभी चीज़ों में सीजीएल 2018 और एमटीएफ 2019 का जब रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा तब चीज़ें पता चल जाएंगी। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश ग्राउंड मेडिजी जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर पूरा पढ़ाई से रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती है आपको। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, बहुत ही अच्छा कंटेंट वहाँ पर वोकैबुलरी इडियम्स फ्रेजल वर्ब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सिखाया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, आपको नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लीज़ विजिट कीजिए इंस्टाग्राम पेज इंग्लिश ग्रामर मेडिजी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।